अरमान की बात करें तो शुक्रिया संदीप। किरण क्या करेंगे, फोर व्हीलर में एक शेयर जो आपको पसंद हो और टू व्हीलर में एक शेयर जो आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए? फोर व्हीलर में मुझे मारुति ही पसंद है। मुझे लगता है मारुति का चार्ट पैटर्न भी अच्छा है और इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। जो जिस तरीके से 5900 से करीबन 4800 तक ये स्टॉक नीचे आया था, उसमें वॉल्यूम सिर्फ दो दिन में ही थे और उसके बाद करीबन पिछले 10 दिनों से एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है करीबन 4800 को। और कल का मूव बहुत ही सराहनीय था जिसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा था। डेरिवेटिव डेटा भी स्ट्रांग था, तो मुझे लगता है मारुति में एक अच्छी उछाल देखने को मिल जानी चाहिए। इमीडिएट ये एक दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम 50 to 50 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस 5100 का लगाना बहुत जरूरी होगा। टू व्हीलर क्षेत्र में ऐसा कोई चार्ट पैटर्न अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, पर टीवीएस मोटर के बारे में बात करें तो टीवीएस मोटर पे एक लो वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं है। पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर 360 पे लगाते हैं, 365-50 पे ट्रेड कर रहा है, तो 4-5 रुपए के रिस्क लेके लेने की भी जिसके पास कैपेसिटी है उसने ले लेना चाहिए और बाय करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये 375-378 तक जाने की उम्मीद है।